तो 18 रन, अब हल्का सा उछाल लेता हुआ स्कोर 18 रन, 80 रन जरूर बनाने, बढ़िया गेंद इस बार बबीता द्वारा, जितनी तारीफ उतना कम, लगातार बढ़िया शॉट और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 22 रन, ओवर नंबर 4 चलता हुआ इस समय, जनता इंटर कॉलेज खिनगोरी की खाल की तरफ से, और 22 रन तक गए स्कोर बोर्ड पे। आउट होने वाली बल्लेबाज हिमानी, तो आगे क्या कुछ घटता है अपने बड़े भाई सुवन सिंह जी, बहुत सुंदर शॉट बढ़िया क्षेत्र रक्षण कृतिका द्वारा, मात्र 1 रन, गेंदबाज इस समय बबीता, सामना करेंगे अनामिका, वाइड गेंद स्कोर में इजाफा 24 रन, ओवर नंबर 4 चलता हुआ इस ओवर में, थोड़ा सा स्कोर में उछाल, बढ़िया गेंद, कहीं बल्ला कहीं गेंद, उधर गेंद फेंक दे उधर, तो सचिन भाई इस साल जलेबी खिला दी, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, अगले साल बहू आ जाएगी तो जलेबी मुश्किल मिलेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इंडियन आर्मी में है और गज्जू भाई के साली साहब है मंजेड़ा, और मंजेड़ा ग्राम सभा ऐसी ग्राम सभा की सबसे ज्यादा फौजी, और कमेंट्री बॉक्स पे ऊपर से गेंद भी कमेंट्री बॉक्स के सामने, 6 रन के साथ टीम का स्कोर 25 रन, 25 रन हुए हैं ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पे 25 रन स्कोर बोर्ड पे, तो क्या कहेंगे, जहां पहले दूसरे ओवर में थोड़ा सा बढ़िया गेंदबाजी, इस ओवर में थोड़ा खराब गेंदबाजी, अब धीरे धीरे जो एक सम्मानजनक स्कोर चाहिए था, अब वो बराबर होता हुआ थोड़ा सा उछाल स्कोर बोर्ड पे, बहुत सुंदर गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अंजलि आई है नई गेंदबाज, 25 रन स्कोर बोर्ड पे, ओवर नंबर 5 चलता हुआ इस समय, हवा देवी का ऐसा ग्राउंड कभी भी उलट फेर हो सकता है, बढ़िया गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले पे बिल्कुल गेंद नहीं आ रही अनामिका के, पिछले मैच में बिल्कुल छक्के जरूर मारे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी अंजलि द्वारा, पर विकेट पे 50 रुपए हर्षपाल द्वारा, पर तो बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंदबाजी इस बार, थोड़ा सा दिक्कत, बढ़िया गेंदबाजी लगातार इस समय, 25 रन स्कोर बोर्ड पे, ओवर नंबर 5 चलता हुआ, कहीं बल्ला कहीं गेंद, तो अंजलि द्वारा काबिले तारीफ गेंदबाजी जनता इंटर कॉलेज खिनगोरी खाल के लिए, जितनी तारीफ उतना कम, ओवर की समाप्ति, तो मेडन ओवर अंजलि द्वारा, तो क्या कहेंगे, चौथा ओवर रन जरूर गए थे लेकिन 5 ओवर में वापसी, पूरा बांध के रख दिया था इस ओवर में अंजलि ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और मेडन ओवर फेंका, स्कोर बोर्ड पे रोक लगा दी थी रनों पे, बहुत सुंदर शॉट, तो सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन, 29 रन अब स्कोर बोर्ड पे, तो ऐसे कुछ लंबे हाथ जरूर दिखाने होंगे दोनों बल्लेबाजों को, अगर फाइनल में प्रवेश करना है, क्योंकि फाइनल में आपके सामने बड़ी टीम उपरे खाल, लेकिन क्रिकेट अनिश्चित तौर का खेल, कभी भी किसी भी समय कोई भी बल्लेबाज गेंदबाज हावी हो सकता है, बढ़िया गेंद इस बार अनामिका ने, जैसे कि पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला था, वो खेल अब देखने को नहीं मिल रहा है, पिछले मैच में शानदार 3 छक्के जड़े थे उन्होंने, इस मैच में उनका बल्ला खामोश, जब तक गेंद फिर हो पाती आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, दोनों खिलाड़ियों ने अब सामने होंगी, बाएं हाथ की
बल्लेबाज अनामिका, जबकि गेंदबाज गेंदबाज का नाम ही नहीं पता, बबीता है शायद, बबीता बबीता ये मंच छोड़ से, मानसी मंच छोड़ से बॉलिंग क्रम में सामने होंगी अनामिका। और इसी अतिरिक्त के साथ एक रन का इजाफा और स्कोर बोर्ड पे स्कोर 31। अभी भी कहना, कुछ भी कहना नामुमकिन, जब तक अनामिका क्रीच पे है वो निगाहें नहीं जमा पा रही हैं। अनामिका गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो उम्मीद थी उनसे उस पे नहीं उतरी हो। पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा, मानसी हल्का सा कट किया गली क्षेत्र में, जब तक गेंद फीड हो पाती है एक रन आसानी के साथ पूरा छोर चेंज किया दोनों खिलाड़ियों ने। अब एक सुस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है प्रात द्वारा, कोई हलचल नहीं, कोई जोश नहीं। बढ़िया गेंदबाजी किंगोड़ी खाल के खिलाड़ियों द्वारा बांध के रखा है प्रात को। और एक अतिरिक्त के साथ फिर एक रन का इजाफा, 34 रन है स्कोर बोर्ड पे। एक बड़ी मछली जाल में फंसाने के, बहुत सुंदर शॉट अप की बार, चार रन तो स्कोर जा पहुंचा 38 रन इस समय स्कोर शीट पे 38 रन। कुछ लंबे हाथ जरूर देखने को मिलेंगे, अब यहां से अभी भी 42 रनों की और आवश्यकता बारात को अगर मैच जीतना है, और वही विकेट जरूर चटकाने होंगे जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल को। फिलहाल चले गेंदबाज और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 42 रन, 3 5 6 चौके मारे लिए 42 रन, जिसमें कि व्यक्तिगत 6 चौके मारे हैं संजना ने। बहुत सुंदर प्रदर्शन, प्रयोग अमर बिष्ट जी भी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती सुरजी देवी जी भी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं क्रीड़ा समिति। और सुरजी देवी तो घास ही काटते हैं इस मैदान में, तो कभी भी आ सकते हैं वो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बॉलर कौन है, अंजलि, अंजलि बॉलर, अनामिका बल्लेबाजी करम, गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी इस समय अनामिका द्वारा लगातार इस समय दौड़ गेंदे सबसे ज्यादा, तो स्कोर 42 रन 23 गेंदों में 38 रनों की और आवश्यकता। अभी भी कुछ भी नहीं कहा जाता, क्रिकेट क्रिकेट इज क्रिकेट, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। फिलहाल विकेट आता है तो वापसी किनगोड़ी खाल, और अगर डॉट बॉले होंगी तो किनगोड़ी खाल की वापसी। इस समय जो पलड़ा भारी है सोहन भाई, वो इस समय किनगोड़ी खाल का। ग्रीजी आपने ठीक बताया, क्योंकि बहुत सुंदर है गेंदबाजी देखने को मिल रही है अंजलि द्वारा, पिछला मेडन ओवर एक कैच का मौका था लेकिन कैच ड्रॉप। 43 रन स्कोर बोर्ड पे, बहुत सुंदर गेंदबाजी देखने को मिल रही है अंजलि द्वारा। पिछला ओवर मेडन निकाला था, इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी, एक दो गेंद डॉट निकाली, बहुत बढ़िया डॉट के साथ वापसी। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है अंजलि द्वारा, बांध के रखा अपराध को। अब की बार पटकी हुई गेंद और बढ़िया दिशा दी, एक रन के साथ 44 रन स्कोर बोर्ड पे। अंजलि द्वारा संतुलित गेंदबाजी, पिछला ओवर मेडन निकाला था, अभी भी अपने ओवर में 2 रन दिए हैं,
खराब क्षेत्र रक्षण की वजह से किसी क्रम से टीम का स्कोर क्या पहुंचा अब 45 रन 18 गेंदों में अभी भी 35 रनों की और आवश्यकता। अंजलि ने ओवर रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा आठवां और नौवां ओवर जो भी रहेगा और नौवां ओवर तो बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस ओवर में कुछ अगर बल्लेबाजी हावी होते हैं तो बल्लेबाजी पक्ष में और गेंदबाज हावी रहेगा तो गेंदबाजी पक्ष में। जी रावत जी ये तो टर्निंग ओवर रहेगा इस मैच का। बहुत सुंदर शॉट बाउंड्री के बाहर मनोज स्टार पहला छक्का और टीम का स्कोर 51 रन तो कंग्रेचुलेशन बरात 54। ओवर रहेगा देखते हैं कि पलड़ा कहां भारी। बहुत बढ़िया वापसी डॉट गेंद के साथ कौन किस पे भारी वाइड गेंद तो स्कोर जा पहुंचा आप 52 रन तो अभी भी 16 गेंद और यहां से 28 रनों की और आवश्यकता। तो बिल्कुल इस समय सती भाई का लैपटॉप भी फेल होता हुआ 500 से लेकर 50,000 50 लाख तक उनके पास लैपटॉप खाली खोखा खोखा देखने को मिलेगा 1,000 रुपए में। अगर बरात को यह मैच जीतना है तो लंबे हाथ दिखाने होंगे अनामिका को। बॉन्ड लाइन के आसपास गेंद जब तक गेंद फीड हो पाती है आसानी के साथ 2 रन पूरे किए अनामिका ने। ये टर्निंग ओवर मैं पहले ही बता चुका हूँ तो 54 रन तो अभी भी 26 रनों की और आवश्यकता। कुछ न कुछ जरूर घटेगा इस समय क्योंकि हॉट सीट पे आज अंकित बैठे हैं। कौन बनेगा करोड़पति क्योंकि भाला फेंका था यहां से भोंडाना में और उनके 700 रुपए मिले हैं उन्हें तो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठे हैं अंकित। के लिए बहुत बढ़िया शॉट 4 रन सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर तो इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 58 रन अभी भी 22 रनों की और आवश्यकता। तो इस गेंद में चौका छक्का या क्या होता है 2 ओवर आने बाकी तो कसम कसम भरा मुकाबला। मैं पहले भी कह चुका हूँ गिरीश रावत जी के टक्करदार मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें अपने आप में संतुलित टीमें थे चाहे वो बॉलिंग से लेके हो क्षेत्र रक्षण से लेके हो या बैटिंग से लेके हो दोनों टीमों में बढ़िया क्रम था कहना कुछ भी। बहुत सुंदर गेंदबाजी डॉट गेंद के साथ फिर वापसी तो 58 रन स्कोर बोर्ड पे अभी भी 13 गेंदे 22 रन तो ये गेंद में चौका छक्का कुछ भी हो सकता है या बोल्ड भी हो सकता है खिलाड़ी तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस गेंद में। अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कभी भी कुछ भी नामुमकिन नहीं जब तक अनामिका क्रीज पे है कुछ भी हो सकता है। तो वाइड गेंद तो 59 रन तो ये अतिरिक्त कई खले ना यहां से और गेंद इधर सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ 1 रन पूरा किया 2 रन के लिए संभव था 3 रन के लिए संभव था उम्मीद। तो इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर 62 रन तो 12 गेंद आने बाकी अभी भी इसके बाद कोई बात नहीं हुआ अभी एक बोल रहे थे तो नई गेंदबाज अब नई गेंदबाज अपने कोटे का 9वां ओवर पारी का अपने कोटे का 2रा पारी के लिए 9वां ओवर तो 12 गेंदे 18 रन कसमकस भरा मुकाबला 12 गेंदे जरूर लेकिन 3 हिट आपको मारनी है। तो चलिए गेंदबाज भले किसी भी तरह गेंद को धकेला तो इस 1 रन से टीम का हल्का सा स्कोर में ऊंचा पा 63 रन तो 11 गेंदों में 17 रनों की और आवश्यकता। क्या कहेंगे रावत जी बहुत कड़कदार मुकाबला मैं जिन लोगों का दिल कमजोर हो इस मैच को ना देखें क्योंकि एक कांटे बराबर मुकाबला देखने को मिल रहा है बरात और जीआईसी किनगोड़ी खाल के बीच। बहुत सुंदर शॉट स्टेट क्षेत्र में जब तक गेंद फीड हो पाती है आसानी के साथ 1 रन पूरा किया तो 10 गेंदों में 16 रन तो 1 हिट की तलाश में अभी भी जब तक अनामिका क्रीज में है
कहना कुछ भी नामुमकिन नहीं, एक हीटर के रूम में खेल रही हूँ। वाइड गेंद तो स्कोर जा पहुंचा 64 रन, मात्र 65 रन, 15 रनों की और आवश्यकता। 10 गेंदें 15 रन, कसमकस भरा मुकाबला। बीबी बढ़िया गेंद इस बार, तो बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी, कुछ भी घट सकता है। बीबी लगातार डॉट गेंद, तो बढ़िया गेंदबाजी बबीता द्वारा, जितनी तारीफ उतना कम। अटपटे ढंग से खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए संभव था। तीन हो गए, तीन। तो इन दो रनों से टीम का स्कोर, और आउट होके पवेलियन, तो दो रनों से टीम का स्कोर 67 रन। तो अभी भी 13 रनों की और आवश्यकता, 67 रन। तो आउट होके अब पवेलियन, 13 रनों की और आवश्यकता। कुछ ठंड जरूर दूर हो गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे पलड़ा जीआईसी किंगोड़ी काल की ओर, क्योंकि अनामिका आउट हो गई है, जो कि हिटर के रूम में खेल रही थी अपनी टीम के लिए। संभवतः अब भी में टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में इस समय देवता खेत। और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए, तो टर्निंग पॉइंट रहेगा ये छक्का। तो अब 6 गेंद में 7 रन, तो अब कसमकस भरा मुकाबला। फिर वापसी कर ली है बरात ने अपनी टीम में सुंदर छक्के के साथ, 6 रन का और इजाफा। तो 6 गेंद और 7 रन, स्वराज भाई के आते ही जैसे गेंद गुरा डूबे की तरह। तो 6 गेंद 7 रन, तो अब कहां तक बल्लेबाजी ले जा पाते, ठंड जरूर दूर हो गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ साहू जी, जिनका दिल कमजोर है इस मैच को न देखें, क्योंकि धड़कने अब तेज चलती हुई, हार्ट बीट 200 के ऊपर। और संतन सिंह जी चाचा जी को सबसे ज्यादा सर में खुजली, क्योंकि डैंड्रफ सबसे ज्यादा, तो उनसे भी निवेदन की दिल थाम के बैठिए इस समय, क्योंकि मैच में इस छक्के ने नया ट्विस्ट ला दिया है। तो ठंड का प्रकोप जो था हवा देवी में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। पूरा आनंद लेते हुए दर्शक, एक हार्ट अटैक गेम है, 7 गेंदे और 6 रन, कुछ भी हो सकता है। लंबा रन आप सामने होंगे सोनी, और एक अतिरिक्त के साथ वाइड। तो 6 गेंदे 6 रन, तो अब कुछ ना कुछ जरूर घटेगा, क्योंकि मैरिज ब्यूरो की नींद भी खुल गई है। आप एक रोमांचक मुकाबला दर्शकों के बीच में, हार्ट अटैक गेम, और बहुत सुंदर वापसी डॉट गेंद के साथ, 5 गेंदे 6 रन। तो वन बाउंस की हिदायत, और जो बर्बाद होता है किसी भी गेंदबाज का, 5 गेंदों में 6 रन, तो एक लाजवाब मैच देखने को मिला इस समय। कोई भी हारे जीते, एक गेंद हुई है अभी, और वन बाउंस। अगर संजना के पास स्ट्राइक मिलती है तो कुछ भी हो सकता है। अब 4 गेंदे 5 रन, सॉरी 6 रन, चार गेंदे 6 रन, बहुत सुंदर कट गली क्षेत्र में, जब तक गेंद पीड़ो पाती है। एक रन पूरा किया, तो कहीं हवा देवी में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है आज। 3 गेंदे 5 रन, 5 रन, हार्ट अटैक गेम। क्लीन बोल्ड, तो 2 गेंदे 5 रुपए पर विकेट पे इस समय, तो 2 गेंदों में 5 रन, अगर एक चौका तो सुपर ओवर। तो हार्ट अटैक गेम इस समय, कहीं भी पलट सकता है मुकाबला। गेंदे 4 रन, रिशिता ये नए बल्लेबाज, तो फिलहाल चले गेंदबाज, धकेला किसी भी तरह गेंद को, तो इस एक रन से टीम का हल्का सा इजाफा। तो 1 गेंद और 4 रन, अब धीरे धीरे पलड़ा जैसे किनोड़ काल की तरफ, 1 गेंद 4 रन, तो बढ़िया लाजवाब मुकाबला इस समय।
क्योंकि पैसे वसूल वाला मैच हो गया इस समय। एक गेंद में चार रन है, घटता है मुकाबला और किनवरी खाल विजयी। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया सब चीज है। तो किनवरी खाल कंग्रेचुलेशन फाइनल के लिए। तो मैन ऑफ द मैच